पिंकी देवी हाय 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 वार्ड नंबर 21 की पार्षद मुर्दाबाद 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 वार्ड नंबर 21 की पार्षद मुर्दाबाद 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 वार्ड नंबर 21 की पार्षद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्पाती दुकानदारों के साथ समस्या यही है भैया कि हम सब कुमार टावर में लगभग 20 साल से दुकान लगा रहे थे और इधर 5-6 साल से पिंकी देवी जब से अच्छी बने हैं रंगवादी के रूप में प्रति एक हर एक दुकान से अब प्रतिदिन 400-500 रुपया डेली तसीते थे और उसके बाद नगर निगम द्वारा जब उनको हम सबको बोल दिया कि किसी को पैसा नहीं देना है कि पार्किंग फ्री है समझिए आप सबको गरीब के लिए हम सब अब वेंडिंग जोन की व्यवस्था कर दिए तो हम सब पैसा देना बंद किए और उसके बाद में उस दिन पैसा देना बंद किए तो उसके 5 तारीख को आके रंजीत सिब्बू बबलू संजय वर्मा और पिंकी देवी खड़ी थे रोड के ऊपर वहाँ पर मुकेश पासवान और पिंकी देवी रोड के ऊपर ही खड़ी थे वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है अगर सर उसमें बचा हुआ होगा 5 तारीख का डेट के तो भी पता आ जाएगा। क्या बोला रंजीत बोले कि सुबह में तो 20,000 रुपया लेके 4 तारीख को धमकी दिए कि हमको 75,000 रुपया चाहिए और सुबह में इतना अभी तक जोड़ के 16 तारीख सर सुबह में आए तो 20,000 रुपया हम सब दिए लेकिन गोड़ हाथ पड़े कि भैया आप सब गरीब आदमी हम सब रंगबाजी के रूप में लिए एकदम रंगबाजी लिए और रंगवाजी तो ले ही रहे थे 5-6 साल से बोले कि भैया अब हम सबके पास पैसा नहीं है दुकान दौरी नहीं चलता है हम सबको माफ़ कर दिए बोले कि गाली उली दिए उसके बाद बोले कि हम फिर उसके बाद चले गए गाड़ी में बैठे थे आगे बैठे हुए थे पैसा हम दिए थे पिंकी देवी के हाथ में उनका जो पति रंजीत जी गाड़ी चला रहे थे अब पिंकी देवी ऊपर ही बैठे रंगदारी वही लेते साथ में सर एकदम सामूहिक का सहयोग से पूरा अच्छी चलता है सरगना चलता है और उसके बाद में फिर डेट 1-2 बजे के बीच में आए सर हम सबको बोले कि इतना जो पैसा बाकी है वो पैसा दो तो नहीं दिए तो गाली गलम किए सबको और बोले कि सर सामान इधर उधर दौड़ाने लगे बोले कि गाली उली दिए बोले कि कहीं के जान से मार देंगे नहीं तो हमको जैसे पैसे पहले देता था पैसा वैसा ही पैसा दो सर कृष्णापुरी थाना में तो सर कृष्णापुरी थाना हम सब जाते हैं लेकिन कंप्लेन किए सर पिछला 5 तारीख को 9वां महीना लेकिन हम सब थाना जाते हैं सर थाना बोलते हैं थाने वाले कि आप डीएसपी साहब के यहाँ से सुपरविजन नया 1 महीना हो गया सर अब बार बार हम सबको धमकी आ रहा है केस वापस लो और नहीं तो सोच लेना कि क्या होगा कल के डेट में केस वापस ले लो बार बार डेली क्या मांग करते हैं हम उचित कार्रवाई किया जाए बस हम यही मांग करते हैं जो गरीब को शोषण किए हैं सरकार प्रशासन यहाँ उचित कार्रवाई उन पे करे और मेरा कोई मांग नहीं है।